बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं फिरोनेक्स का 6 किलो वाट इन्वर्टर जो है वो अनबॉक्स करने जा रहा हूँ। और बहुत ही ज़बरदस्त इन्वर्टर है ये। क्यों ज़बरदस्त है? इसका जो कंपैरेटिव जितने भी इन्वर्टर्स हैं पाकिस्तान में, अगर इन्वरेक्स अवेलेबल है और ग्रोवाट है, इस तरह के और जो ब्रांड्स हैं, क्रोन है, इन सब के इन्वर्टर्स आते हैं 5 किलो वाट में या 5.2 किलो वाट में। और ये फर्स्ट टाइम फिरोनेक्स ने इनके कंपेरेटिव प्राइस में इंट्रोड्यूस करवाया 6 किलो वाट। और 6 किलो वाट के साथ इसके अंदर जो मेजर फीचर्स हैं वो ये हैं कि बिल्ट इन 6000 वाट MPPT कंट्रोलर है, LCD है इसकी, और PV चार्जिंग 100 एम्पीयर तक है। इसके अलावा इसके अंदर जो है बिल्ट इन वाईफाई मॉड्यूल भी है। मैं इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट इंस्टॉलेशन वीडियो के अंदर वाईफाई मॉड्यूल को रन करना और मोबाइल पे चेक करना और ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आज जो है वो इसकी हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं कि आप इसका रिव्यू देख सकें, क्योंकि मेरे प्रोफाइल पे, मेरे YouTube चैनल पे इसकी अनबॉक्सिंग अभी तक नहीं अपलोड हुई थी, क्योंकि हमारे किसी क्लाइंट ने इसको ऑर्डर नहीं किया था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लाइंट ने इसको ऑर्डर किया है और आज हम ये लगाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। एक पेट्रोल पंप पे सिस्टम में लगाएंगे, तो एक इसकी ओवरलुक जो है वो मैं आपको दे दूँ इन्वर्टर की। इसको ओपन कीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इन्वर्टर जो है वो ओपन होने जा रहा है। ये फिरोजी ग्रीन इसका जो है ग्रे के साथ कॉम्बिनेशन है। लाइट्स का जो है मैंने जैसे 3.6 के बारे में बताया था वही सेम फीचर है इसका। और इसकी रनिंग वीडियो भी इंशाल्लाह आप ज़रूर देखेंगे। ये देखें कितना क्लासी इन्वर्टर है ये फिरोनेक्स 6 किलो वाट इन्फिनियन प्लस। और इस पे आप 5.5 किलो वाट तक का लोड इजीली रन कर सकते हैं। अगर आपके पास 2-1.5 टन के एसी फ्रिज वगैरह घर का लोड है तो उसके लिए आइडियल इन्वर्टर है। ये वाईफाई कनेक्टिविटी का इसका है स्टिकर और ये बिल्ट इन वाईफाई इसके अंदर है। तो इसकी वर्किंग वीडियो भी इंशाल्लाह मैं आज ही अपलोड कर दूँगा और वाईफाई कनेक्टिविटी और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो जो आपके कन्फ्यूजन्स हैं वो इंशाल्लाह सारे दूर किए जाएंगे। तो ये फिरोनेक्स का इन्वर्टर है, मेरे पास आ जाए इसलिए इसकी अनबॉक्सिंग जो है वो मैं आज कर रहा हूँ। देखिए इस इन्वर्टर का जो प्लस पॉइंट है, एक तो ऑपरेटिंग टेम्परेचर इसका जो है वो 60 डिग्री तक है, मतलब तो प्लस 60 डिग्री तक और -10 डिग्री तक। उसके बाद अगर हम इसकी नॉर्मल ऑपरेटिंग वैल्यूज़ देखें तो 360 VDC से लेके 550 VDC, मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज जो है वो 550 तक जो है ये सपोर्टेड है। और PV इनपुट रेंज जो है वो 25 एम्पेयर से, मतलब ये कि आप जितने भी पैनल लगाएंगे, अगर आप ज़्यादा पैनल लगा रहे हैं तो 2 स्ट्रिंग्स में लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे आप। तो इसकी MPPT रेंज भी 360 वोल्ट टू 450 VDC है। और इसके अलावा इसकी मैक्सिमम AC चार्जिंग करंट 80 एम्पेयर से, जो कि बहुत हैवी है। और अगर आप 80 एम्पेयर्स की चार्जिंग लेंगे तो उसके लिए कम से कम 25 mm टू 35 mm का केबल यूज़ करेंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा चार्जिंग हम नॉर्मली लेते नहीं हैं। अगर हम ड्राई सेल यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए इतनी हैवी चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इसका ओवरऑल एक पूरा स्टिकर का लुक है। तो आज इंशाल्लाह हम इसको इंस्टॉल भी करेंगे और आप सेकेंड वीडियो का वेट कीजिएगा तो इंशाल्लाह इसकी इंस्टॉलेशन वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। तो अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन इस हवाले से आप ऐड ऑन चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लें, तो इंशाल्लाह इंस्टॉलेशन वीडियो में मैं वो पॉइंट्स जो हैं वो कवर अप कर लूँगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।